நீல்லாத நாளல்ல நாளாகுமா நீல்லாத வாழ்வல்ல வாழ்வாகுமா எரேமியா பவிஷ்யவாணி கி புஸ்தக் 11வா அத்தியாய 19வா வசனம் நாம் தேக்கेंगे मैं तो वध होने वाले बेड़ के बच्चे के समान अनजान था, मैं न जानता था कि वे लोग मेरी हानि की युक्तियां यह कहकर कहते हैं, आओ हम फल समेत इस वृक्ष को उघाड़ दें और जीवितों के बीच में से खाद ढालें, तब इसका नाम तक फिर स्मरण न रहे। ये दुष्ट लोग मुझे हानि करना चाहते हैं, मेरे विरोध योजना बनाते हैं, मुझे वे तुच्छ जानते हैं और मुझे हत्या करने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। यही परिस्थिति है, ये सब इनके विरोध में कौन करता है, उनका खुद गांव वाला करते हैं। ऐसे नाश करने के लिए चाहते हैं, ऐसे मिटाने के लिए चाहते हैं और कहते हैं तुमको गाद कर देंगे, तुम भविष्यवाणी नहीं कहना। वे सब कहते हैं तेरा मुंह को कभी नहीं खोलना, भविष्यवाणी नहीं कहना। इसलिए यिर्मयाह कहता है, हे प्रभु तू इसको देखता है, मेरे विरोध में कितना लोग कुड़कुड़ाते हैं, कितने लोग मेरे विरोध में खड़े, तू इसको देखता है करके वो रो रहा है। इधर यिर्मयाह इसे सोच रहा, मेरे विरोध में है। कभी कभी हम भी यही प्रकार सोचते हैं, परमेश्वर मेरे विरोध में है, मुझको नाश करने के लिए सब लोग तैयार होके खड़ा है प्रभु। कभी कभी हमारा शत्रु बागर नहीं है, हमारा घर के लोग है हमारा शत्रु बनते हैं। मेरे प्रियो, यिर्मयाह का समान आपका दिल में भी इतना संघर्ष होगा, आपका घर वाले खुद आपका शत्रु बनने से आपका दिल बहुत घबराता होगा। जहां आप काम करते हैं, जहां विश्वास योग्य रहते हैं आपके विरोध में, वहां भी लोग खड़े होके आपके साथ नाश करने चाहते होंगे। मेरे शत्रु में बहुत बढ़ गए, ऐसे नहीं कहना चाहिए, ये समस्या का हल नहीं है। मेरे विरोध में जो खड़े हैं वे सब नाश हो जाएं, वे सब भस्म हो जाएं, इस प्रकार कहना समस्या का अंत नहीं होगा। ऐसे कहने से समस्या समाधान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हमारा परमेश्वर कैसा है, मत्ती 5वां अध्याय में उसकी 45 वचन में वो कहता है, भले और दुष्टों के ऊपर पानी को वो बरसाता है, उन पर सूर्य की रोशनी देता है, ऐसा परमेश्वर है। इसलिए हमारा समस्या का जो समाधान है उनके लिए न्याय नहीं करना है, उसके बदले में परमेश्वर की आत्मा अर्पण करके परमेश्वर की राहों में लगातार यदि परमेश्वर का अनुग्रह करना ही उनकी इच्छा है। हालेलुया, हालेलुया।